फिलिस्तीन के हमास समूह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बंधक का वीडियो जारी किया है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके टूटे हुए दाएं हाथ में पट्टी की जा रही है। वीडियो के दूसरे भाग में लड़की ने अपने बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मैं मियां शेम हूं, मेरी उम्र 21 साल है, मैं गाजा में हूं, मैं शनिवार की सुबह सेडरोट में एक पार्टी से लौटी थी, मैं अभी गाजा में हूं, मेरे घायल हाथ का इलाज किया गया है और इस दौरान सर्जरी में 3 घंटे का वक्त लगा। बंधक मियां शेम एक फ्रेंच इजरायली नागरिक हैं। उसने वीडियो में कहा कि वे मेरा ख्याल रख रहे हैं, मुझे दवा दे रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों के पास ले जाकर पहुँचा दें, प्लीज जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल लें। हमास ने टेलीग्राम चैनल पर जो वीडियो जारी किया उस पर कैप्शन देते हुए जानकारी दी कि अलकसम ब्रिगेड के मुजाहिदीन गाजा में एक महिला कैदी को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस महिला को अल अक्सा लड़ाई के पहले दिन पकड़ लिया गया। मियां की मां केरन शेम ने लापता बेटी को लेकर क्या कहा है बताते हैं। इसराइल के आर्मी रेडियो ने मियां की मां केरन शेम के हवाले से कहा कि हमला शुरू होते ही मैंने उसके सेलफोन पर कॉल किया था, उसका फोन घंटों से बज रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया था। मैंने हर किसी को बताया कि मेरी बेटी है, लापता है, लेकिन किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। फिलहाल IDF ने कहा कि हम बंधकों की वापसी के लिए सभी खुफिया और परिचालन साधनों के साथ काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि वीडियो में एक तरफ हमास खुद को एक मानवतावादी संगठन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर ये एक हत्यारा आतंकवादी संगठन है जो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्याओं सहित अपहरण के लिए जिम्मेदार है। वीडियो पर आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन्हीं खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए ABP लाइव।